नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है म्यूजिकल ऋषि ऑफिशियल चैनल में। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से रियाज कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको थाटों को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। आपको थाटों को इस तरीके से याद करवा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, है ना। क्या होता है कि आपको थाट जो है सुर समझ में नहीं आते, किस थाट में कौन सा सुर लगता है, या भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता। कुछ दिनों तक आपने या कुछ देर तक याद रहा, फिर बाद में भूल जाएंगे। तो आपकी थाट की भूलने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी थाट में, है ना। बेंजो पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखें तो और अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉपी पर समझाऊंगा डिटेल में, और इस प्रोसेस को मैंने चार स्टेप में तोड़ा है ना। पहले मैं चार स्टेप में बताऊंगा, फिर उसके बाद चार के बाद भी मैं एक और दूसरा तरीका बताऊंगा समझाने का, दूसरे तरीके से बताऊंगा। इन दो स्टेप से आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी थाट। अगर आपसे कोई नींद में भी पूछेगा बताओ भैरव थाट में कौन से सुर लगते हैं, तो आप नींद में ही बता देंगे उसे, है ना। और ये बात पक्की है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा। बस वीडियो पूरी एंड तक देखें, है ना। और आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अगर आपको ये वाली वीडियो देखकर भी समझ नहीं आया तो धिक्कार है हम पर। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रियाज वीडियो लाऊं, किस तरीके से दसों थाटों का बेंजो पर रियाज करना है, किस तरीके से बजाना है कि वो दसों थाट आपके तैयार हो जाए, तो मैं वो वीडियो तभी लाऊंगा जब आपका इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट रहेगा, अच्छे लाइक्स रहेंगे और अच्छे कमेंट रहेंगे, है ना। और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो मैं वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, इसकी अगली वीडियो ले आऊंगा किस तरीके से बेंजो पर थाटों का रियाज करना है। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो, है ना, प्लीज वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा जो थाट से रिलेटेड डर है, जो भी डाउट है, वो सब मैं हटा दूंगा, देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले चलते हैं कुछ बेसिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो है 12 सुर रहते हैं। देखिए कौन कौन से, सा रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा, मा का कोमल नहीं होता, मा का तीव्र रहता है, पा, धा कोमल, धा शुद्ध, ठीक है, नी कोमल और नी शुद्ध, फिर वो तार सप्तक का सा हो जाता है ना। तो ये 12 सुर रहते हैं। तो इन 12 सुरों के रियाज के लिए 10 थाटों का जो है निर्माण किया गया है ना, कि 10 थाटों का रियाज आप कर लेंगे तो आपका ये 12 सुरों का रियाज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थाटों में आरोह अवरोह होंगे, तो उनमें जो है कई जातियां रहती हैं, ठीक है, जातियां अभी बताता हूँ जातियां क्या होती हैं। जातियां रहती हैं, ठीक है, जातियों में एक रहती है औडव, ठीक है, दूसरी रहती है शाडव और तीसरी रहती है संपूर्ण। तो देखिए एक तीन जातियां रहती हैं, कौन कौन सी, औडव में जो रहते हैं 5 सुर लगेंगे आरोह में और 5 सुर लगेंगे अवरोह में, शाडव में 6 सुर लगेंगे आरोह में और 6 सुर लगेंगे अवरोह में, और संपूर्ण में 7 स्वर आरोह में और 7 सुर अवरोह में, ठीक है। ये बेसिक था, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इन थाटों के रियाज को 4 स्टेप में बांटा हुआ है, ठीक है, 4 स्टेप में। तो 4 स्टेप में पहला स्टेप है स्टेप वन। देखिए स्टेप वन में क्या है, जो भी थाटों में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं वो थाट लेंगे हम। देखिए शुद्ध स्वर या सुर कह लीजिए, बात वही है ना, शुद्ध स्वर लगेंगे जिन थाटों में। तो आप मुझे बताइए कौन सी वो थाट है जिनमें सारे सुर शुद्ध लगेंगे, ना कोमल ना तीव्र, जल्दी बताइए, सारे सुर जो है शुद्ध लगेंगे, कौन सी थाट है। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप कमेंट में उसका आंसर जरूर दें, है ना, वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर लिख दें। देखिए कौन सी थाट है, बहुत सही, बिलावल। बिलावल थाट में सारे सुर जो है वो शुद्ध लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्टेप वन कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप टू में क्या रहेगा, जिस भी थाटों में, जो भी थाट है उन जिन थाटों में जो है शुद्ध स्वर लगेंगे प्लस कोमल सुर लगेंगे,
कोमल सुर लगेंगे, है ना, शुद्ध सुर लगेंगे प्लस कोमल सुर लगेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एक सुर लेते हैं, जिस भी थाट में एक सुर कोमल लगेगा, तो कौन कौन सी थाट है जिसमें एक सुर कोमल लगेगा। पहले हम एक सुर कोमल लेते हैं, पहले हम लेते हैं नी कोमल। अच्छा बताइए आप, नी कोमल किस थाट में लगता है, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप कमेंट करके बताइए। नी कोमल किस थाट में लगता है, बहुत सही, खमाज थाट, है ना, खमाज थाट। ये वीडियो मैंने बेंजो पर भी बनाई हुई है, सभी थाटों को बेंजो पर भी समझाया, इसके बाद आप वो वीडियो देखें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने एक सुर कोमल लगा, अच्छा हम रे कोमल अकेला लगाएंगे और बाकी सारे सुर जो है शुद्ध लगाएंगे, तो कोई सा थाट बनेगा नहीं बनेगा, दा कोमल नहीं बनेगा, सिर्फ धा कोमल नहीं बनेगा, सिर्फ नी कोमल लगाएंगे तब जाके खमास थाट बनेगा, ठीक है, इतना क्लियर। ये हमारा पहला। अब दूसरा है, हम लेंगे दो सुर कोमल, ठीक है, दो सुर कौन सा हम कर देंगे, सा रे शुद्ध रहेगा, हम कर देंगे गा को कोमल, मा शुद्ध रहेगा, पा धा शुद्ध रहेगा और नी कोमल, ठीक है। तो ये गा और नी कोमल किस थाट में लगते हैं, ये धा शुद्ध है ना, ये आप इसे कोमल मत मान लें, ये धा शुद्ध है। देखिए अब ये गा कोमल और नी कोमल किस थाट में लगते हैं, कमेंट करके बताएं। थाट काफी में, काफी थाट है ना, तो थाट काफी में आपके ये दो सुर कोमल लगेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, दो सुर और कोमल कौन से और थाट में लगेंगे, दो सुर कोमल देखिए, सा हम करेंगे अब रे को कोमल, ठीक है, गा शुद्ध रहेगा, मा शुद्ध रहेगा, पा, अब हम नी की जगह धा कोमल कर देंगे, धा और नी, हम नी कोमल कर दी हमने, तो बताइए रे और धा कौन सी थाट में कोमल लगेगा, ये धा है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप एडजस्ट कर लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे समझते चलना, ठीक है। तो रे और धा किस थाट में कोमल लगेंगे, भैरव, बहुत सही, भैरव थाट में जो है रे और धा कोमल लगेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं हम तीन सुरों को, अब तीन सुर किन थाटों में कोमल लगेंगे, तो हम लेते हैं पहले तीन सुर, सा रे शुद्ध लेंगे, गा कोमल कर देंगे, मा शुद्ध, पा धा कोमल और नी कोमल, ठीक है। तो ये गा धा नी कोमल किस थाट में लगते हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ, आशावरी, आशावरी थाट में लगेंगे ये गा धा नी कोमल, सॉरी ये नी कोमल है ना। तो आइए अब चलते हैं चार स्वरों को कोमल कर लेंगे, तो चार स्वर किस थाट में लगेंगे, सा रे कोमल आपको दिख रहा होगा, हाँ, गा कोमल, मा शुद्ध, पा धा कोमल और नी कोमल। अब हमने कर दिए ये रे गा धा नी कोमल, अब तो आप बताइए कौन से थाट में लगेंगे चारों कोमल, सही, भैरवी, भैरवी थाट में लगेंगे। तो ये हुआ हमारा दो स्टेपों का रियाज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से, मैं बहुत अच्छे से समझाते चल रहा हूँ स्लोली स्लोली। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ, तो स्टेप थ्री में हम लेंगे वो थाट जिसमें सिर्फ तीव्र सुर अकेला लगेगा, सिर्फ तीव्र सुर और बाकी सारे सुर जो है शुद्ध लगेंगे। देखिए कौन सा थाट है, देखिए इसमें रहेगा सा रे शुद्ध, गा शुद्ध, मा शुद्ध की जगह मा तीव्र, पा धा और नी। देखिए नी में छोटी की मात्रा रहे चाहे बड़ी की मात्रा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोमल रहेगा तो मैं नीचे डंडा लगा दूंगा, है ना, जो भी सुर कोमल रहेगा, ऐसे रे कोमल रहेगा तो नीचे नी, रे के नीचे डंडा। तो बताइए, तो ये हमारा कल्याण थाट है ना, कल्याण थाट, तो ये थाट में मा तीव्र लगेगा, तो ये वही हमारी स्टेप थ्री। अब देखिए चलते हैं स्टेप फोर की तरफ, तो स्टेप फोर में देखिए कौन कौन से सुर लेंगे हम, देखिए हम वो थाट लेंगे जिनमें शुद्ध स्वर भी लगेंगे प्लस तीव्र स्वर भी लगेंगे, है ना, प्लस कोमल स्वर भी लगेंगे, है ना। तो ये तीनों सुर जिस थाट में लगेंगे, अब वो थाट देखिए, शुद्ध तीव्र कोमल, इनके अंतर्गत कौन से थाट आते हैं देखिए। तो पहला थाट है जिसमें लगेगा सा रे रहेगा कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा
धा शुद्ध और नी शुद्ध रहेगा। तो बताइए रे कोमल और मा तीव्र किस थाट में लगते हैं? बहुत सही, यह है हमारा मारवा, मारवा थाट। मारवा थाट में रे कोमल और मा तीव्र लगते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले थाट की तरफ। तो देखिए इस थाट में लगेगा सा, रे जो रहेगा कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा धा कोमल और नी रहेगा शुद्ध। तो बताइए रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल किस थाट में लगते हैं? हाँ, पूर्वी थाट। कमेंट करते चलना, मैं भी देखूं आपको कितना समझ आता है पूर्वी थाट में। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, है ना। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे थोड़ी कटेंगे, या लाइक कर देंगे तो पैसे कट जाएंगे, तो ये फ्री रहता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब, तो आप कर दिया करें। क्या होता है कई लोग ऐसे ही वीडियो आते हैं और देख के भाग जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते ना लाइक करते। जो लोग करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार उन सभी को। पर जो लोग नहीं करते तो कम से कम आप इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब करने के थोड़े पैसे लगते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अब हमारा लास्ट वाला जो है जिसमें लगेगा सा, रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र, पा धा कोमल, नी शुद्ध। इसमें रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र और रहेगा धा कोमल। तो ये कौन सा थाट हो जाएगा हमारा? तोड़ी, तोड़ी थाट हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तोड़ी थाट में रे कोमल, गा कोमल, मा तीव्र और धा कोमल लगेंगे। तो ये हमने चार स्टेप में रियाज किया, तो ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इनका। तो देखिए ये स्टेप वन में रियाज हुआ, हमने लिया सा, सारे शुद्ध स्वर पहले। तो कौन से थाट में सारे शुद्ध स्वर लगते हैं? सारे गामा पादा नी सा बिलावल में, तो हमारा एक हो गया, है ना। और अब हमने सेकंड स्टेप में रियाज किया शुद्ध प्लस कोमल स्वरों का। तो शुद्ध प्लस कोमल स्वर जिस भी थाट में लगेंगे, तो हमने लिया पहले नी कोमल अकेला किया, तो ये खमास थाट हो गया, तो ये दूसरे नंबर का थाट हो गया। तीसरे नंबर पर हमने गा को और नी को कोमल कर दिया, तो वो काफी थाट बन गया। चौथे नंबर पर हमने डे को और धा को कोमल कर दिया, तो ये भैरव थाट बन गया। पांचवे में हमने गा को और पा को और नी को कोमल कर दिया, तो ये हमारा आसावरी थाट बन गया। चौथे में हमने चार स्वरों को कोमल कर दिया, रे गा धा नी, तो ये भैरवी थाट बन गया। तो अब हम आ गए थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में हमने माँ को तीव्र कर दिया सिर्फ, और बाकी सारे स्वर शुद्ध रहे, तो कल्याण थाट बन गया। स्टेप फोर में हमने देखा कि शुद्ध तीव्र और कोमल स्वरों को के यूज से कौन कौन से थाट बनते हैं। तो हमने करके देखा रे कोमल कर दिया, माँ तीव्र कर दिया, दो स्वर हमने कर दिए, एक कोमल और एक तीव्र, उसके यूज से मारवा थाट का निर्माण हुआ। ठीक है, मारवा थाट बन गया, रे और माँ को कोमल कर दिया। अब हमने रे को कोमल कर दिया, माँ को तीव्र कर दिया और साथ साथ धा कोमल कर दिया, तो ये पूर्वी थाट बन गया। अभी हमने लास्ट में दसवें नंबर पर सा, रे कोमल कर दिया, गा कोमल कर दिया, माँ तीव्र और धा कोमल कर दिया, है ना। तीन स्वर जो है कोमल और एक तीव्र, तो उससे हमारा तोड़ी थाट बना। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर कोई नहीं, आपको समझने से मतलब आप समझे, है ना, डिटेल में अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो भले ही लंबी हो जाए। तो अभी मैं आपको एक और बहुत आसान स्टेप बताता हूँ इन थाटों को याद रखने की, है ना, एक और ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको और अच्छे से थाट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे थाट बताऊंगा जिनमें एक स्वर का अंतर रहता है, बाकी वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो उससे आप पता कर सकते हैं। तो हमारे पहले नंबर पर आता है जो है, हम लेते हैं हमारा बिलावल प्लस कल्याण। तो ये दोनों थाटों की बात करें तो इनमें, तो बिलावल में तो सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, और कल्याण में सिर्फ मा तीव्र अकेला लग जाएगा और बाकी सारे स्वर जो है शुद्ध रहेंगे, है ना। तो मा तीव्र अकेला लग जाएगा, तो इस तरीके से आप कल्याण और बिलावल थाट याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर आता है हमारा कोमल स्वरों का ग्रुप। तो कोमल में आप आसावरी, आसावरी थाट प्लस भैरवी थाट। ठीक है, आसावरी में लगने वाले स्वरों की बात करें, इसमें लगेगा गा धा और नी कोमल। ठीक है, और भैरवी की बात करें, इसमें रे जुड़ जाता है, तो इसमें हो जाता है रे गा धा नी कोमल, है ना, ये धा है। ठीक है, तो
इसमें चार सुर कोमल हो जाती है, रेगा धानी, इसमें तीन सुर रहते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा पूर्वी थाट, पूर्वी थाट प्लस मारवा थाट, ठीक है। पूर्वी थाट में क्या होता है, इसमें लगता है रे कोमल, मा तीव्र और धा कोमल, ठीक है, तीन सुरों का यूज होता है इधर, रे कोमल, धा कोमल और मा तीव्र, और इधर मारवा में यूज होता है रे कोमल और मा तीव्र लगता है ना, इसमें धा केला जुड़ जाता है ना, पूर्वी में धा कोमल हो जाता है और इसमें रे कोमल और मा तीव्र रहते हैं, बस इसमें धा जुड़ गया पूर्वी में, तो ये भी सेम रहते हैं दो थाट। तो इस तरीके से जो सेम थाट रहते हैं वो है, हमने देख ली बिलावल, यमन, आसावरी, भैरवी, पूर्वी, मारवाई, छह थाट, मतलब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये दोनों आपस में मिलते हैं, है ना, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न है ऊपर नीचे, लेकिन ये दो दो जो मैंने लिखे ये सेम है ना। तो ये एक और स्टेप थी समझने की, ठीक है। तो ये हमारी थाट की वीडियो कंप्लीट हुई, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, मैंने बहुत प्यार से समझाया आपको, अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। तो आपको और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को पढ़कर उनका जवाब दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, तो पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।